हेलो एवरीवन, आज के सेशन में मैं परीक्षावाणी के क्वेश्चंस को कवर करने वाली हूँ। परीक्षावाणी में आज आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। परीक्षावाणी में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, बिल्कुल पूरे जीएस सेक्शन को इसमें कवर किया गया है और ये पूरे 30 वर्षों का प्रश्न है। 30 वर्षों में सेंटर में चाहे स्टेट में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सारे के प्रश्नों को एक परीक्षावाणी में पूरा कवर किया गया है। जितने भी जीएस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने बहुत सारी सब्जेक्ट को कवर करा दिया है। जैसे कि मैंने हिस्ट्री में आपके मॉडर्न और एंशियंट को कवर कराया है, लेकिन मेडिवल अभी बाकी है, तो मैं मेडिवल भी कल या परसों में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। साइंस में, जनरल साइंस में मैंने बॉटनी एंड जूलॉजी यानी बायोलॉजी को कवर कर दिया है। एक वीडियो मैंने फिजिक्स की प्रोवाइड की है, लेकिन फिजिक्स के अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं प्रोवाइड करूंगी आपको। और इसके साथ ही परीक्षावाणी में आधुनिक भौतिक से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको अलग से इसमें कवर किया गया है। 3 से 4 चैप्टर उसमें भी है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इसके बाद मैंने ज्योग्राफी को, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी को भी मैंने कवर कर दिया है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को कवर कर दिया है। तो जितने भी सब्जेक्ट को मैंने कवर किया है वो मैंने उसके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है परीक्षावाणी के नाम से। तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट पे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है जिससे पूछा गया था प्रश्न, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री से, सामान्य एवं भौतिक रसायन से। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहते हैं? लेवोसियर को कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ माना जाता है? मिस्र में, इजिप्ट में माना जाता है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे? केमिटेकिंग कहते थे प्रारंभ में। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्राह्मण कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से, सॉरी ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिसे बोलते हैं क्षितिजल पावक, गगन समीर, ठीक है। अगला, खाद्य परिरक्षण, कीटनाशकों, उर्वरकों इत्यादि के बनाने की विधियां, इन विधियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कृषि रसायन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी विश्लेषिक रसायन में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? विभिन्न द्रव्यों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण का। जैव पदार्थों यानी मैटर और सब्सटेंस तथा जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जैव रसायन के अंतर्गत, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। रासायनिक भौतिकी के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? विभिन्न भौतिक तंत्रों जैसे प्लाज्मा का अध्ययन। हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, बहुलक, विटामिन आदि रसायन विज्ञान की किस शाखा के अध्ययन की विषय वस्तु है? कार्बनिक रसायन की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन है 49.9%, सिलिकन है 26.0%, एल्यूमिनियम है 7.3%। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व हैं ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्व हैं। 94 तत्व वो प्रकृति में हैं और बचे शेष 24 तत्व कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट कैसे तत्व हैं? ये अधात्विक कार्बन के अपरूप हैं। द्रव की वो अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। ऐसे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु, मेटलॉइड। कुल तत्व कितने तत्व? 118 तत्व में लगभग कितने प्रतिशत तत्व धातु हैं? 80%। आर्सेनिक व एंटीमनी किस तरह के तत्व हैं? ये उपधातु हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा व गैलियम पाया जाता है। कौन सा अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है, Br35। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। द्रव की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है? प्लाज्मा अवस्था। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है।
विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है? चांदी है, इसके बाद तांबा है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना व चांदी। धातुओं का पारा में घोल क्या कहलाता है? अमलगम। चमक वाली अधातुएं कौन सी हैं? हीरा, ग्रेफाइट व आयोडीन। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? प्रायः अम्लीय होती है। सोडियम, पोटेशियम और पारा कैसे तत्व हैं? धात्विक तत्व हैं। किन अधातुओं के ऑक्साइड उदासीन होते हैं यानी न्यूट्रल होते हैं? किन धातुओं के होते हैं? कार्बन के ऑक्साइड होते हैं यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, व हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O यानी जल। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रायः क्षारीय होती है। किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं? एल्यूमिनियम, जिंक और टीन। एल्यूमिनियम, जिंक तथा टीन उभयधर्मी होते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में कौन सी अधातु कैथोड यानी ऋण इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होते हैं? हाइड्रोजन के। जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होता है? 1:8 होता है। किसी रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट यानी सबसे छोटा संभावी अंग क्या है? अणु है, मॉलिक्यूल। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों के कारण किए रहता है कौन है? अणु है। खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा है? अनसेप्टियम है। 2010 में खोजा गया है इसको। ये 118वां तत्व है, पूरे 118 तत्व है जिसमें से 118वां तत्व का नाम है अनसेप्टियम। वायु किन पदार्थों का मिश्रण है? गैसों व जल वाष्प का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा व जस्ते का मिश्रण है। शुद्ध वायु कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण। मिश्र धातुएं किस प्रकार का मिश्रण होती है? समांगी मिश्रण। एल्कोहल व जल का मिश्रण कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा। पेट्रोल व जल का मिश्रण कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण। आसु जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है, आसवन के द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा। लाल व नीली स्याही के मिश्रण को किस रीति द्वारा पृथक करना उपयुक्त है? वर्ण लेखन के द्वारा। एल्कोहल व जल के विलयन में 45% पानी व 55% एल्कोहल है। विलयन में कौन सा पदार्थ विलेय व कौन सा विलायक होगा? पानी विलेय होगा व एल्कोहल विलायक होगा। वायु एलपीजी गैसोलीन आसु जल में से कौन मिश्रण नहीं है? आसु जल मिश्रण नहीं है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलयता बढ़ती है। निलंबन किस तरह का मिश्रण है? विषमांगी है। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, क्यों? क्योंकि इससे कोलाइट को स्थायित्व प्राप्त होता है और रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने पाती है। अगला क्वेश्चन, कोलाइड किस तरह के मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव। ऐसे कोलाइड का नाम बताइए जिसमें परिक्षिप्त माध्यम व परिक्षेपण माध्यम दोनों का ही गैस हो। तो ऐसा कोई भी उदाहरण उपलब्ध नहीं है। कारण ये है कि गैस में गैस परिक्षिप्त होने पर सदैव वास्तविक विलयन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, पायस क्या है? एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें परिक्षेपण व परिक्षिप्त दोनों ही माध्यम द्रव होता है, तो वो है दूध। पनीर, मक्खन आदि किस तरह के कोलाइड है? जेल या जेली, जिसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस व परिक्षिप्ति माध्यम द्रव होता है। एरोसोल क्या है? किसी द्रव में द्रव या ठोस कणों के परिक्षेपण से बना कोलाइड है। तेल यानी वसा को पानी में मिलाने पर कौन सा कोलाइड बनेगा? पायस बनेगा। कोलाइड टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्यों? क्योंकि कोलाइड विलयन में परिक्षिप्त कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। पायस एक कोलाइड होता है। पायस द्रव में द्रव का एक कोलाइड होता है। दूध कौन सा कोलाइड है? पायस। दूध कौन सा कोलाइड है? पायस है। बादल किसका
कोलोइडी परिक्षेपण है, वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। दूध, पनीर, क्षीर क्रीम यानी मिल्क क्रीम व चेहरे की क्रीम में से कौन जल का उदाहरण है? पनीर, पनीर जल का उदाहरण है। वायु को हम कब कोलॉइड कह सकते हैं? जब इसमें गैसों के अलावा कुछ सूक्ष्म कण भी उपस्थित हो, जैसे धुआं, डस्ट पार्टिकल, जैसे धुआं। धुआं कैसा कोलॉइड है? ठोस एरोसोल है, गैस में ठोस का परिक्षेपण है। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? स्कंदन में, कॉगुलेशन में। पंकित जल के निस्तारण हेतु किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? साधारण फिटकरी का। पानी में लटके हुए कोलॉइडी कण किस प्रक्रिया में हटाए जा सकते हैं? स्कंदन में हटाए जा सकते हैं। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? रक्त कोशिकाओं का स्कंदन। फिटकरी के धनायन रक्त के ऋणात्मक कोलॉइडी कणों का स्कंदन कर देते हैं। अभी है पदार्थ की संरचना के विषय में। सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने बताया था? किस भारतीय दार्शनिक ने बताया था द्रव अत्यंत सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है? महर्षि कणाद ने बताया था 800 BC में। किसने? महर्षि कणाद ने। पदार्थ की संरचना के विषय में सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने बताया कि द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है? महर्षि कणाद ने बताया है। आगे बढ़ने से पहले, ये मिश्र धातु हैं, इनका संगठन और उपयोग। पीतल, पीतल का संगठन है Cu 70% होता है और जिंक जो है 30% होता है। तो पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है। इसका उपयोग है बर्तन बनाने में, मूर्तियां, तार, मशीनों के पुर्जे व उपकरण बनाने में। कांसा का संगठन है Cu प्लस Sn। परसेंटेज आप देख लीजिए, Cu 88% और Sn 12%। इसका उपयोग मूर्तियां, बर्तन, सिक्के व जहाजों के प्रोपेलर बनाने में किया जाता है। टाका, टाका का संगठन है Pb 50-70% और प्लस Sn। टाका का प्रयोग विद्युत तारों व धातुओं को जोड़ने या टाका बनाने में किया जाता है। गन धातु संगठक है PbSbSn। इसका उपयोग बंदूक, तोप तथा गियर, बेयरिंग आदि मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु टाइप मेटल जो है, सॉरी, मुद्रा धातु मिश्रण किसका है? पीबी का है। पीबी 75% होता है, एसबी 20% और एसएन 5%। इसका उपयोग मुद्रण में किया जाता है। जर्मन सिल्वर का संगठन है CuZnNi। उपयोग बर्तन, मूर्तियां, मॉडल व विद्युत प्रतिरोध आदि बनाने में। मैग्नीलियम संगठन है Al 95%, Mg मैग्नीशियम, Cu माइनस Fe। उपयोग वायु व जहाज आदि की बॉडी बनाने में। और ये पूछा जा चुका है, कौन सा? ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन जो है ये संगठन है Al प्लस Cu प्लस Mg प्लस मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम का। इसका उपयोग किया जाता है वायुयान, प्रेशर कुकर आदि बनाने में। प्रेशर कुकर बनाने में भी ड्यूरालुमीन का प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु है ये। नाइक्रोम मिश्र धातु का संगठन है NiFeCr और C। उपयोग मुद्रा व सिक्के, आभूषण, बर्तन, पेंट आदि बनाने में। नाइक्रोम का प्रयोग मुद्रा, सिक्के, आभूषण, बर्तन, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। विद्युत उष्मक व विद्युत प्रेस तार बनाने में भी किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, तो इसका संगठन है नाइक्रोम का Ni 58-60%, Fe लोहा 20-25%, प्लस Cr प्लस C प्लस Mn Zn SiO2 वन माइनस SiO2 जो है वो 1-3% है। एल्निको संगठन है Fe प्लस Al प्लस Ni प्लस Cu प्लस C। चुंबक बनाने में इसका यूज किया जाता है।
वुड्स धातु का उपयोग धातु पैटर्न व डायफ्राम आदि बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का उपयोग हवाई जहाज व स्वचालित वाहनों का ढांचा बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला, डाल्टन का परमाणुवाद कब आया था? 1808 में आया था। डाल्टन का परमाणुवाद 1808 ईस्वी में। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। अणु को डाल्टन ने क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। डाल्टन के यौगिक परमाणुओं को अणु नाम किसने दिया? एवोगाड्रो ने दिया था, एवोगाड्रो ने। पाई मिसानों की खोज कब हुई थी? 1947 में अंतरिक्ष किरणों में हुई थी। न्यूट्रॉन किस प्रकार का मूल कण है? नाभिक में स्थायी व नाभिक के बाहर अस्थायी व रेडियोधर्मी है। नाभिक के बाहर स्थित रेडियोधर्मी न्यूट्रॉन की अर्ध आयु कितनी होती है? 17 मिनट। न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन व मेसॉन किस प्रकृति के कण हैं? मेसॉन अस्थायी मूल कण है, जबकि न्यूट्रिनो व पॉजिट्रॉन स्थायी है। परमाणु का टॉमस मॉडल कब आया था? 1904 ईस्वी में। टॉमसन मॉडल किन महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में सफल रहा? तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन व आयनीकरण की व्याख्या में। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ निहित होता है? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन को नाभिक का चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच कार्यकारी स्थित वैद्युत आकर्षण बल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। रदरफोर्ड ने परिक्रमणकारी इलेक्ट्रॉनों के नाभिक में नहीं गिरने का क्या कारण बताया था? इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से उत्पन्न अभिकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। रदरफोर्ड ने परिक्रमणकाली इलेक्ट्रॉनों के नाभिक में नहीं गिरने का कारण बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किन समस्याओं की संतोषजनक व्याख्या नहीं प्रस्तुत कर सका है? परमाणु के स्थायित्व व रेखीय स्पेक्ट्रम की। नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल कब प्रस्तुत किया? 1913 ईस्वी में। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन कितनी देर ठहरता है? 10^-8 सेकेंड। जब कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था या निम्नतर ऊर्जा स्तर में वापस आता है तो अवशोषित ऊर्जा किस रूप में बाहर निकलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला कहा जाता है? नील्स बोर का मॉडल। अगला क्वेश्चन, बोर का परमाणु मॉडल किस तरह के परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में समर्थ है? एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों की, जैसे हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम आयन आदि। हाइड्रोजन का सूक्ष्म स्पेक्ट्रम क्या है? सामान्य आंखों से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो रैखिक दिखाता है, प्रत्येक रेखा वास्तव में कई रेखाओं का समूह होता है। हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की थी? सोमरफिल्ड ने की है। एक परमाणु से ऊर्जा विकिरण हो रहा था, उसी समय उसे विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, जिससे कि उसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो गई। ये कौन सा प्रभाव है? ये स्टार्क प्रभाव है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × कक्ष की संख्या का स्क्वायर यानी 2×2² = 8। किसी तत्व का रासायनिक गुण किस बात पर निर्भर करता है? तत्व के परमाणु क्रमांक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात विभिन्न ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण पर। तत्व के परमाणु क्रमांक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। बोर ने किसके साथ मिलकर के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की योजना प्रस्तुत की थी? बरी के साथ मिलकर के 1921 में। कौन से तत्व बोर बरी योजना का पालन नहीं करते हैं? क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर व पैलेडियम आदि जो हैं बोर बरी योजना का पालन नहीं करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनों का अंतरण यानी ट्रांसफर उप ऊर्जा स्तर पर होना। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया है? आधुनिक विचार दिया है स्टैंडिगर ने 1926 में, स्टैंडिगर। परमाणु संरचना का आधुनिक विचार किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रमाण क्या है?
इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में भी प्रकाश तरंगों की भांति विवर्तन व व्यतिकरण का गुण विद्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन की कण यानी पार्टिकल प्रकृति का क्या प्रमाण है? गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज कैथोड किरणों के रास्ते में यदि कोई हल्की वस्तु रख दी जाए तो वो भी गतिमान हो जाती है। परंपरागत परमाणु मॉडलों यानी रदरफोर्ड बोर और सोमरफिल्ड आदि का परमाणु मॉडल व आधुनिक परमाणु मॉडल में क्या अंतर है? परंपरागत परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन को कण माना गया है, जबकि आधुनिक परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। अगला, गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं, ये विचार सर्वप्रथम किसने दिया है? डी ब्रॉगली ने दिया है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बड़े कणों पर क्यों नहीं लागू होती है? क्योंकि बड़े कणों का द्रव्यमान अधिक होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? संवेग तथा स्थिति में अनिश्चितता विद्यमान होती है। नेक्स्ट, प्रत्येक कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो। किसी कोष की क्रम संख्या यानी ऑर्डर क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपकोषों की संख्या को व्यक्त करती है। ऑफ बाउ नियम क्या है? इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षकों के क्रम में भरते हैं। एफ कक्षक एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 14। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ये नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? पाउली से संबंधित है। पाउली का अपवर्जन नियम है यह। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है, ये है पाउली का नियम। अवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात किया था? लेश्मिट ने कुछ अन्य वैज्ञानिकों की सहायता से। लेश्मिट, एक मोल इलेक्ट्रॉन का भार क्या होगा? 0.55 मिलीग्राम होगा। एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.022 × 10³ होता है। मोल की इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया है? मोल को यूनिट के रूप में कब स्वीकार किया गया है? 1967 में। कौन से इलेक्ट्रॉन संयोजी होते हैं? परमाणु के वाहितम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉनों से क्या क्या निर्धारित होता है? तत्व की संयोजकता, आवर्त सारणी में तत्वों की वर्ग संख्या व कुछ अन्य गुणधर्म। संयोजी इलेक्ट्रॉनों से क्या क्या निर्धारित होता है? तत्व की संयोजकता, आवर्त सारणी में तत्वों की वर्ग संख्या व कुछ अन्य गुणधर्म। मुख्य क्वांटम संख्या से क्या व्यक्त होता है? कक्ष संख्या व संगत ऊर्जा स्तर। 10 मोल जल का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा? 180 ग्राम। एक मोल H2O का द्रव्यमान होता है 1 × 2 + 16 × 1 यानी 18 ग्राम, और 10 मोल जल H2O = 18 × 10 यानी 180 ग्राम होगा। तो एक मोल अमोनिया यानी NH3 में अमोनिया के कितने अणु होंगे? अमोनिया के अणु 6.022 × 10³ अणु होंगे। एक मोल कण को कौन सी संख्या कहते हैं? अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। कॉपर के एक ग्राम परमाणु में कॉपर के कितने परमाणु होंगे? 6.022 × 10³ परमाणु। एवोगाड्रो नंबर किसे कहते हैं और ये कितना होता है? किसी तत्व के एक ग्राम परमाणु यानी एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10³ होती है, या किसी पदार्थ तत्व या यौगिक के एक ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या भी उतनी ही है, अणुओं की संख्या भी इतनी ही यानी 6.022 × 10³ होता है। तो इस संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है। तो कैपिटल N इक्वल टू होता है 6.022 × 10³। मोल किस रूप में अन्य मात्रकों से भिन्न है? ये द्रव्यमान व संख्या दोनों ही रूपों में प्रयोज्य है। किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि तत्व का मोल गुण परमाणु क्रमांक है ना कि परमाणु भार? मोजले। किसी तत्व की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर की संख्या कितनी होती है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करने वाला मुख्य लक्षण, मुख्य कारक क्या है? परमाणु क्रमांक है।
अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा? परमाणविक भार 22 होगा। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन, 19 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 39। किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? एटॉमिक मास यूनिट में, परमाणु द्रव्यमान संख्या में। किसी पदार्थ के आणविक भार की गणना का मापन करके की जाती है, किसकी मापन करके? वाष्प की सांद्रता यानी वाष्प घनत्व का मापन करके की जाती है। वाष्प घनत्व व अणु भार में क्या संबंध है? अणु भार बराबर होता है 2 × वाष्प घनत्व। तत्व का मूल लक्षण यानी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तत्व का परमाणु क्रमांक, क्योंकि तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण जो है वो इसी से निर्धारित होते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, परंतु इसे परमाणु क्रमांक के निर्धारक के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयन बनने की प्रक्रिया में घट और बढ़ भी सकती है। किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। उस तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र द्वारा। CaOS2 किसका रासायनिक सूत्र है? बुझा चूना का, स्लैक लाइन का। CaOS2 का अणु भार होता है 74। CoS2 का अणु भार होता है Ca का परमाणु भार प्लस 2 × ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार। सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 2 ब्रैकेट में 16 प्लस 1 यानी 17, सॉल्व करेंगे तो 74 होगा। CaOS2 से संगठक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। H2SO4 के एक अणु में कुल कितने परमाणु होंगे? 7। सल्फर का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 4, तो कुल मिलाकर के 7। H2O के एक अणु में हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या होगी? 11.11% होगी। H2O में H की प्रतिशतता निकालने के लिए 100 × H का परमाणु की संख्या और हाइड्रोजन का परमाणु भार अपॉन H2O का अणु भार, तो ये 100 × हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 अपॉन H2O का अणु भार 18, सॉल्व करेंगे तो 11.11। अगला, सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। किस बंध से युक्त यौगिक सबसे क्रियाशील होते हैं? त्रिबंध युक्त, हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। कोई परमाणु कितने सहसंयोजक बंध बना सकता है? उस परमाणु में जितने कक्षकों में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उतने बंध बना सकता है। किस बंध युक्त यौगिकों के क्वथनांक अधिक होते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक के। किन परिस्थितियों में सहसंयोजकता 4 से अधिक हो सकती है? जब किसी परमाणु में उचित दर्जा के 4 से अधिक रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। किस तरह के यौगिक समविन्यास हो सकते हैं जिनमें परमाणुओं की कुल संख्या व इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कोसेल तथा लेविस ने 1916 में। किसी परमाणु का परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार × संयोजकता के। विद्युत संयोजक बंध कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। रासायनिक बंध किसे कहते हैं? परमाणु जिन बलों से परस्पर संयुक्त होते हैं। पदार्थों या तत्वों के बंध बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। पदार्थों या तत्वों में बंध बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए होती है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तत्वों के सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण हो जाए, जैसा कि अक्रिय गैसों का होता है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध। CHCl3 में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। सभी बंध एकल होते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl व कैल्शियम क्लोराइड में कौन सा बंध बनता है? वैद्युत संयोजक बंध बनता है। अगला प्रश्न, एक तत्व तीव्र धन विद्युति व दूसरा तीव्र ऋण विद्युति है, इनकी आपस में मिलने पर कौन सा बंध बनने की संभावनाएं हैं? वैद्युत संयोजक बंध। अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कैसी प्रवृत्ति का होगा? इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रवृत्ति का।
जल में घोलने पर वैद्य संयोजक यौगिक के बंध टूट जाते हैं और वो आयनों में वियोजित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल का परावैद्युतांक अधिक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होता है। किन यौगिकों में अणु संरचना का अभाव पाया जाता है? अभाव वैद्य संयोजक यौगिकों में। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। दो तत्वों के परमाणुओं के मध्य त्रिबंध कैसे बनता है? तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनता है। कार्बनिक यौगिकों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस तरह का बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वांडरवाल से बंधे होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों में गलनांक व कथनांक कम क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अणु आपस में कमजोर वांडरवाल बलों से बंधे रहते हैं, जिससे कि प्रभावहीन करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। हीरा व सिलिका भी सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन इनका गलनांक अधिक होता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल जालक बनाते हैं जो आसानी से नहीं टूटते हैं। सहसंयोजी यौगिक किस तरह के विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं? अध्रुवी व कार्बनिक विलायकों से आसानी से घुल जाते हैं। किस तत्व का अणु सहसंयोजक बंध होने के बावजूद विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन तत्व का एक अपरूप है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु कुछ अम्ल सहसंयोजी बंध रखने के बावजूद अपने जलीय विलयन में विद्युत के चालक बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये जल में घुल करके कुछ मात्रा में आयन मुक्त कर देते हैं, जो कि विद्युत का चालन संभव बना देता है। किस बंध से युक्त यौगिक समावयता प्रदर्शित कर सकते हैं? किस बंध से युक्त यौगिक समावयता प्रदर्शित कर सकते हैं? सहसंयोजी यौगिक व उपसहसंयोजी यौगिक। नेक्स्ट, H2O2O3Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? अध्रुवीय बंध बनाते हैं, नॉन पोलर। HClNH3 आदि में किस तरह के सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं? ध्रुवीय पाए जाते हैं, पोलर। बर्फ का H2O अणु कितने हाइड्रोजन बंध बनाता है? चार। बेंजीन अनुनाद संकर प्रदर्शित करता है, क्यों? क्योंकि इसके सभी गुणों की व्याख्या इसके एक संरचना सूत्र द्वारा नहीं की जा सकती। धातुओं की धात्विक चमक का क्या कारण है? धातुओं में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि धातु के अंदर गति करते रहते हैं। जब कोई आवेशित कण गतिशील होता है तो वो प्रकाश के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है, इसी से धातु चमकते हैं। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। आण्विक ठोसों के अणुओं के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? छीड़ वांडरवाल बल। पुरानी पुस्तकों के पन्ने पीले क्यों पड़ जाते हैं? ऑक्सीकरण के कारण उसके श्वेत रंग में पीलापन आ जाता है। इसके कारण ऑक्सीकरण के कारण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। यदि किसी आयन पर उपस्थित धन आवेश का मान घटता है तो ये क्या सूचित करता है? वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है व उसका अपचयन हो रहा है। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त क्रियाएं होती हैं, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड में से कौन से पदार्थ अपचायक हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड व सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये अपचायक हैं, और अन्य जो है वो ऑक्सीकारक हैं। यानी ऑक्सीजन नाइट्रिक अम्ल ये जो है ऑक्सीकारक हैं। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटने का क्या तात्पर्य हो सकता है? वह ऑक्सीकारक है तथा अपचयित होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? लोमोनोसोफ ने किया था। लोमोनोसोफ ने 1756 में किया था। नेक्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किस सिद्धांत ने चुनौती दी थी? आइंस्टीन के द्रव्य ऊर्जा रूपांतर समीकरण ने। क्या होता है समीकरण? ये इक्वल टू MC2। ज्ञातव्य है कि द्रव्य को उच्च ताप दाब की विशिष्ट अवस्था में ही तोड़ करके ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। साधारण रासायनिक प्रक्रियाओं में ऐसा संभव नहीं होता। दूसरी बात ये कि द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन भी व्यापक अवधारणा के तहत एक रूपांतरण ही है, विनाश नहीं।
यौगिकों के स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया है? जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने 1799 में। पानी कहीं से भी प्राप्त किया जाए या किसी भी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाए, इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात निश्चित होता है। ये किस नियम की पुष्टि करता है? स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया है? जॉन डाल्टन ने 1803 में। तुल्य अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया? रिचर्ड ने। दो आयतन हाइड्रोजन व एक आयतन ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके कितने आयतन जल वाष्प का निर्माण करेगी? दो आयतन। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना किस तरह का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है ये। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हीटर के तार का लाल होना किस तरह का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। गलन, वाष्पन, संघनन, हिमायनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि किस प्रकार के परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। धातुओं का संक्षारण यानी करोजन ऑफ मेटल्स किस तरह का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस व श्वसन यानी रिस्पायरेशन किस तरह के परिवर्तन है? फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन रासायनिक परिवर्तन है। मोम यानी वैक्स, मोम का पिघलना व मोम से बनी मोमबत्ती का जलना किस तरह के परिवर्तन है? मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जल में विद्युत प्रवाहित करने यानी जल का विद्युत अपघटन पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक समीकरणों को किस नियम के द्वारा संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा। कच्चे फल का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। किसी वस्तु का जलना क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। कॉपर सल्फेट का जिंक के अभिक्रिया कराने पर कॉपर सल्फेट का जिंक से अभिक्रिया कराने पर जिंक कॉपर को विस्थापित करके उसकी जगह स्वयं ले लेता है। कॉपर व जिंक में कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है? जिंक। जिंक अधिक क्रियाशील है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा कण प्रभावित होता है? इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष यानी रिएक्टेंट्स व उत्पाद पक्ष प्रोडक्ट्स में किसकी संख्या समान होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? परमाणु की संख्या, एटम्स की, एटम्स नंबर समान होता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्यों? क्योंकि इसका जल अपघटन होता है जिसमें कॉपर सल्फेट का सल्फेट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त होता है जो कि एक प्रबल अम्ल है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलन और साम्य इक्विलिब्रियम में है तो इसका क्या अर्थ है? अग्र तथा पश्म अभिक्रियाओं की दरें समान है। लोहे का जंग क्यों लगता है लोहे पर? लोहे पर जंग लोहे का ऑक्सीकरण होने के कारण होता है। लोहे में जंग लगने के लिए कौन से दो कारक आवश्यक है? ऑक्सीजन व नमी यानी गीलापन। जल। धातु क्षय करोजन का सर्वप्रमुख उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या ऑक्सीजन व नमी में से कोई अकेला कारक लोहे में जंग लगा सकता है? नहीं, दोनों कारकों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है। लोहे के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जिसे हम जंग के रूप में जानते हैं। गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे को जंग रोधी बनाने हेतु तो उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। जंग रोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील का निर्माण इस्पात का मिश्रण किससे होता है? क्रोमियम और निकल से होता है। लोहे पर लगा जंग रासायनिक दृष्टि से होता है फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जो कि लोहे के संक्षारण के फलस्वरूप बनता है। जिंक स्वयं हवा में संक्षारित होता है फिर भी इसकी परत लोहे का संक्षारण करती है, कैसे?
जिंक संक्षारित अथवा ऑक्सीकृत होकर के जिंक ऑक्साइड बनाता है। यही लोहे यानी वह जिंक को भी संक्षारण से बचाती है क्योंकि इसकी परत कठोर व हवा से अक्रियाशील होती है। शल्यक्रिया उपकरण स्टेनलेस स्टील से ही बनाए जाते हैं। अन्य विधियों से संरक्षण रोधी बनाए गए इस्पात से ही अन्य विधियों से संक्षारण रोधी बनाए गए इस्पात से नहीं। क्यों? क्योंकि अन्य विधियों से संक्षारण रोधी सतह चढ़ाई जाती है जो कि प्रयोग के दौरान घिस करके नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, एनोडीकृत एल्यूमिनियम या संक्षारण रोधी एल्यूमिनियम कैसे बनाया जाता है? एल्यूमिनियम निर्मित वस्तु को एनोड के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबा करके विद्युत अपघटन करके बनाया जाता है। तांबे के बर्तन नींबू से साफ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसे तांबे पर जमा यानी डिपॉजिटेड कॉपर कार्बोनेट घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। एक धातु को समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? तांबा है, कॉपर। वो कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होती है? एल्यूमिनियम। चांदी का संक्षारण किससे होता है? हवा में मौजूद सल्फर के यौगिक से, हवा में मौजूद सल्फर के यौगिक से। कौन सी धातुएं पूर्णतया संक्षारण मुक्त है? स्वर्ण व प्लेटिनम। फलों के रस के परिरक्षण के लिए प्रायः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी यानी कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? निकेल। हैबर विधि से अमोनिया गैस बनाने में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? लोहे का चूर्ण। बाजार में जो विभिन्न ब्रांडों के चिप्स बिकते हैं, इन्हें पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? इनके पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है क्योंकि ये एक अनअभिक्रियाशील अनरिएक्टिव गैस होती है नाइट्रोजन। इससे चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे किचन में उपलब्ध प्रमुख प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कौन से हैं? हल्दी, धनिया, मिर्च व अन्य गर्म मसाले हैं। अम्ल क्या है? वे पदार्थ या यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अथवा किसी पदार्थ को प्रोटीन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। सिरके का मुख्य अंग यानी मुख्य घटक क्या है? एसिटिक एसिड। तेजाब को रखने के लिए किस पदार्थ के बर्तनों का तेजाब को रखने के लिए किस पदार्थ के बर्तनों में रखना सुरक्षित होगा? कांच के पात्र में। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनाप्थेलिन व मेथिल ऑरेंज का। लिटमस पेपर, फिनाप्थेलिन व मेथिल ऑरेंज का। सिरका, दही, नींबू व संतरे का रस आदि खट्टे खाद्य पदार्थ धातु के बर्तनों में नहीं रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में अम्ल होता है जो बर्तन के धातु से क्रिया करके जहरीले धात्विक यौगिक बना लेते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कपड़े पर हल्दी गिर जाए तो उस पर साबुन लगाने से वो भूरा लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है जो कि हल्दी के पीले रंग को लाल या भूरा लाल रंग में परिवर्तित कर देती है। गंध सूचकों ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स के रूप में मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? प्याज व वनीला का। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास महरौली में है, महरौली में तो कुतुब मीनार के पास स्थित अति प्राचीन 400 वर्ष ईसा पूर्व निर्मित लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु कर्म ज्ञान का सर्वोत्तम नमूना है। ये कच्चे लोहे से निर्मित है जो कि एक प्रकार का कम कार्बन वाला इस्पात है। ये स्तंभ आज तक जंग से बचा हुआ है। इसके लिए स्तंभ को पहले विभिन्न लवणों से ठंडा किया गया, इससे इस पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ाई गई जो उसे आज तक जंग रोधी बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन था, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2, NO2 आदि के कारण। आंसू जल से डिस्टिल वाटर से विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है? क्योंकि आंसू जल में कोई भी आयन उपस्थित नहीं होता है। क्या वर्षा के जल से विद्युत धारा का प्रवाह संभव है? हाँ,
क्योंकि पृथ्वी पर गिरने से पहले वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुल करके कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाती है। कार्बोनिक अम्ल वर्षा जल को हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन प्रदान करता है, जिससे विद्युत प्रवाह संभव होता है। नेक्स्ट, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है। स्टार्च के किण्वन के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? एसिटोबैक्टर एसिटी। इक्षु शर्करा क्या है? एसिटिक अम्ल या सिरका है, विनेगर। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल। अम्लों के अम्लीय गुणों हेतु क्या उत्तरदायी होता है? अम्लों के जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन। अम्लों व क्षारकों की आधुनिक संकल्पना क्या है? जो पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल, और जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षारक होते हैं। अम्लों व क्षारों की आधुनिक संकल्पना किसने दिया है? लॉरी व ब्रॉन्स्टेड ने 1923 में दिया है। सल्फ्यूरिक अम्लों को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, जिससे मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल के। फार्मिक एसिड व एसिटिक एसिड में से कौन अधिक तेज अम्ल है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल व एसिटिक अम्ल में क्या समानता है? दोनों ही कार्बनिक व दुर्बल अम्ल हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान का क्या कारण होता है? पेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय। नींबू का खट्टापन किस पदार्थ के कारण है? इसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल के कारण। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। संचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेय व सोडा वाटर में घुलित अम्ल कौन सी है? कार्बोनिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? ऑक्जैलिक अम्ल। बेकिंग पाउडर निर्माण में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? टार्टरिक अम्ल। चीटियों में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में भी टार्टरिक अम्ल होता है। कपड़े से स्याही व जंग के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल का। क्षारकों के क्षारीयता के गुण के लिए क्या उत्तरदायी होता है? क्षारकों के जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड आयन। जितने ही अधिक आयन विलयन में मुक्त होंगे क्षारक उतना ही प्रबल होता है। जल की कठोरता किस पदार्थ से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। जल के आयनी गुणनफल का एकक क्या है? मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर या मोल स्क्वायर लीटर माइनस स्क्वायर या -2। कोल्थॉफ क्या है? एक सर्वव्यापी सूचक है कोल्थॉफ। पीएच मान का ज्ञान किन उद्योगों के लिए आवश्यक होता है? औषधि, कागज, चीनी, शराब, शीतल पेय आदि खाद्य पदार्थों के निर्माण से संबंधित उद्योगों व शिक्षा में पीएच मान का ज्ञान होना चाहिए। एक विलयन की कुछ बूंदें जो है सार्वत्रिक सूत्र यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर पत्र पर गिराई जाती है तो पत्र बैंगनी रंग वॉयलेट का हो जाता है। तो इसका क्या तात्पर्य है? विलयन का पीएच मान 1.4 के आसपास है, यानी ये एक प्रबल अम्ल है। एक विलयन का पीएच मान 6 व दूसरे का 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या या सांद्रता अधिक होगी? जिस विलयन का पीएच मान कम यानी 6 पीएच वाले विलयन में होगा। इसमें प्रथम विलयन पीएच 6 वाला अम्लीय होगा व दूसरा पीएच 8 वाला क्षारीय होगा। किस कारखाने में निकला अपशिष्ट अम्लीय प्रकृति का है? इसे नदी में गिराने से पूर्व किसी कारखाने से निकला अपशिष्ट अम्लीय प्रकृति का है इसे नदी में गिराने से पूर्व क्या करना चाहिए?
इसे किसी क्षारीय पदार्थ को मिलाकर के उदासीन करना चाहिए व किसी फिल्टर से ठोस अपशिष्टों को छान लेना चाहिए। किसी कारखाने से निकला अपशिष्ट अम्लीय प्रकृति का है, इसे नदी में गिराने से पूर्व इसे किसी क्षारीय पदार्थ को मिलाकर के उदासीन करना चाहिए और किसी फिल्टर से ठोस व अपशिष्टों को छान लेना चाहिए। घी की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6.5 के लगभग होता है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन की संज्ञा देते हैं? 5.5 या उससे कम। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि से जल की क्रिया होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल आदि बन जाते हैं। नेक्स्ट, दांतों का बाहरी आवरण इनेमल किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। मानव शरीर का ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर भाग कौन होता है? दांतों का वह आवरण होता है, इनामेल, इनामेल बोलते हैं उसको। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कभी कभी झीलों यानी लेक्स में कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जाता है, क्यों? कुछ क्षेत्रों में अधिक पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है जिससे जलाशयों का पीएच मान घट जाता है यानी कि अम्लीयता बढ़ जाती है और जलीय जीवों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जीवों का पीएच मान बढ़ाने अर्थात अम्लीयता घटाने हेतु क्षारीय प्रकृति के कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जाता है। अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? SO2 व NO2 के, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड से। पौधों की अच्छी वृद्धि यानी प्रॉपर ग्रोथ के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 के आसपास। क्षारीय मृदा की क्या पहचान है? मृदा का पीएच 8 से अधिक होना चाहिए। अम्लीय मृदा की क्या पहचान है? मृदा का पीएच 7 से कम होना चाहिए। किसी उर्वरक विशेष के अधिक प्रयोग का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का पीएच मान उर्वरक की प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ सकता है, अर्थात मृदा की अम्लीयता क्षारीयता घट या बढ़ सकती है। अम्लीय मृदा के उपचारार्थ कौन सा रसायन प्रयुक्त करते हैं? चूना, बूझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट चौक इत्यादि क्षारीय रसायन का रसायन जो है वो प्रयुक्त होते हैं। क्षारीय मृदा के उपचार हेतु किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? जैविक खाद या कार्बनिक पदार्थ जिनमें अम्लीय पदार्थ होते हैं। मानव शरीर हेतु उपयुक्त पीएच परास क्या है? पीएच रेंज 7 से 7.8 पीएच के बीच होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस पदार्थ का बना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे पीले एवं श्वेत बादलों से। मधुमक्खी के डंक मारने पर प्रभावित अंग पर बेकिंग सोडा लगाने पर जलन से आराम मिलता है, क्यों? क्योंकि मधुमक्खी डंक मारकर शरीर में अम्ल छोड़ती है जिससे जलन पैदा होती है। बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, जिससे कि इसे प्रभावित स्थान पर लगाने से उदासीनीकरण की क्रिया होती है और अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है। बर यानी वैस्प के काटने पर सिरका क्यों लगाते हैं? बर डंक द्वारा शरीर से क्षारीय पदार्थ का श्रावण करता है। सिरका अम्ल होता है इसलिए इसे लगाने पर उदासीनीकरण की क्रिया होती है जिससे क्षारीयता कम होती है व आराम मिलता है। नेक्स्ट, चींटी के काटने पर किस अम्ल के कारण जलन महसूस होती है? मेथेनोइक एसिड के। पीएच मूल्य क्या दर्शाता है? किसी घोल के अम्ल या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है। पीएच क्या दर्शाता है? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। एक बफर विलयन पीएच 4 में कुछ अम्ल यानी पीएच 3 मिलाया जाता है, तो बफर विलयन का पीएच मान कितना होगा? 4 होगा। मुख में उपस्थित लार का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 7.5 के आसपास होता है लार। सलाइवा, मानव शरीर में मांसपेशियों की गति के लिए कौन सा लवण सहायक है? सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। ठंडे प्रदेशों में जाड़े के दिनों में कभी कभी सड़कों पर नमक का छिड़काव करते हैं, क्यों? क्योंकि ये बर्फबारी के कारण अवरुद्ध सड़कों से बर्फ को पिघला करके रास्ता साफ करता है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्यों? क्योंकि इसका जल अपघटन होने पर प्राप्त सल्फेट एक प्रबल अम्ल यानी H2SO4 से प्राप्त होता है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट है। CO, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O।
हाइपो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है, Na2SO2 Na2S2O3.5S2O। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। लवण होगा NH4Cl, क्रिया करेंगे H2O और इसके साथ H2O यानी जल होगा, यह अभिक्रिया करके दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल होगा NH4OH+HCl। ब्लीचिंग पाउडर में विरंजक का गुण किसके कारण होता है? ब्लीचिंग पाउडर द्वारा मुक्त किए गए नवजात ऑक्सीजन परमाणु के कारण। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। इसे निर्जल सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। खाने वाला सोडा का प्रयोग खाद्य सामग्री के अलावा और कहाँ करते हैं? अग्निशमन में। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। विलयन की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। बेकरी उत्पादों में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस संयंत्र में होता है? हेक्सन क्लेवर संयंत्र में। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट का व्यावहारिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। लाल दवा क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। सिंदूर का रासायनिक नाम है ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। फॉर्मूला होता है Pb3O4, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन किस लवण का जलीय विलयन है? सोडियम थायोसल्फेट का Na2S2O3.5S2O। जिन पदार्थों के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अनपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करने वाली रसायन विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेल क्या है? सेल वो तंत्र सिस्टम है जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही विद्युत अपघट या भिन्न भिन्न विलयनों में डूबे रहते हैं, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है अथवा विद्युत प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। वैद्युत अपघटन की क्रिया होने पर किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है? ऋण इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड पर। फैरड किस भौतिक राशि का मात्रक है? आवेश का। एक फैरड होता है कितने कूलम के बराबर? 96,495 कूलम के बराबर। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। विद्युत अपघटन में धन इलेक्ट्रोड पर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन की क्रिया होती है। नेक्स्ट, गैल्वेनिक सेल क्या है? जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वो है गैल्वेनिक सेल। बॉयल का नियम किस सिद्धांत किस स्थिति पर लागू होता है? नियम ताप पर। नियत ताप पर बॉल का नियम जो है लागू होता है। एवोगैड्रो स्थिरांक यानी संख्या का मान कितना होता है? 6.022 × 10²³ प्रतिलोम। 27 डिग्री सेल्सियस और 76 मिलीमीटर दाब पर एक गैस का आयतन 200 घन सेंटीमीटर है, तो -3 डिग्री सेल्सियस व 760 मिलीमीटर दाब पर गैस का आयतन कितना होगा? 180 घन सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 180 सेंटीमीटर क्यूब। समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये नियम किसका है? एवोगैड्रो का नियम है। आदर्श गैसों की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तापमान पर। आदर्श गैस किसे कहते हैं? जो गैसें ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में चार्ल्स और बॉयल के नियमों का पूर्णतः पालन करती है वो आदर्श गैस कहलाती है। व्यवहार में ऐसी कोई गैस प्राप्त नहीं है। चार्ल्स के नियम का परिवर्धन यानी मॉडिफिकेशन किसने किया है? गेलुसाक ने। किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? 25% बढ़ाना होगा। देखें भौतिक रसायन अध्याय 9 में ही आपको मिलेगा देखने के लिए। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? परम शून्य ताप पर 273 डिग्री सेल्सियस पर
चार्ल्स के नियमानुसार शून्य केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस अर्थात परम शून्य ताप पर गैसों का आयतन शून्य हो जाना चाहिए। वी टू इक्वल टू पी वन वी टू टी टू अपॉन पी टू टी वन इक्वल टू पी वन वी वन इंटू क्या है ये शून्य हो जाएगा पी टू टी टू यानी टोटल आपका क्या है शून्य के बराबर है। परंतु वास्तविक गैसें इसका पूर्णतः पालन नहीं करती है और परम शून्यता प्राप्त करने के पूर्व ही द्रवित होती है द्रवित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों का मूल दाब समान परिस्थितियों में इन गैसों के आंशिक द्रव्यों के योग के बराबर होती है। ये किसका नियम है? डाल्टन का नियम है। किसी गैस की विसरण गति होती है उसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है, क्यों? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है। गैस का वर्जित आयतन होता है गैस अणु के वास्तविक आयतन पर चार गुना। एक वास्तविक गैस के लिए अधोलिखित सत्य है, क्रांतिक ताप के नीचे किसी भी दाब पर द्रवीकरण हो जाता है, क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब पर द्रवीकरण हो जाता है। हाइड्रोजन गैस के विसरण के वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग से कितना गुना अधिक होता है? चार गुना। समान ताप और दाब से क्या आशय है? एनटीपी से। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य ताप और दाब की संज्ञा दी गई है। परम ताप पैमाना किसे कहते हैं? परम शून्य को परम ताप पैमाना कहते हैं। ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है। दो गुब्बारों का हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भर करके दोनों में समान आकार का छेद दिया जाता है छेद कर दिया जाता है तो सर्वप्रथम कौन सा गुब्बारा संकुचित होगा? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। सामान्य गैस समीकरण क्या है? सामान्य गैस समीकरण है पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रज्वलन ताप क्या है? वह शून्य ताप जिस पर कोई वस्तु या पदार्थ जलना आरंभ करे। दहन क्या है? कंब्यूशन क्या है? वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा ऊष्मा व ताप उत्पन्न होता है वो है दहन। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है दहन। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं व दहन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? सभी दहन अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं परंतु सभी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं दहन अभिक्रियाएं नहीं होती है। किस गैसों को दहन का सहायक गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन को। किस गैस को दहन विरोधी कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। रॉकेटों में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहा जाता है? प्रणोद कहा जाता है प्रोपेलेंट। अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ जलने पर नहीं जलते हैं जैसे मिट्टी पत्थर बालू जल एस्बेस्टस इत्यादि। ये अदहनशील पदार्थ है जो पदार्थ जलने पर नहीं जलाने पर नहीं जलते हैं। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। किस कोयले को भूरा कोयला कहते हैं? लिग्नाइट को। काला हीरा की उपमा किसे दिया गया है? कोयला को। सर्वोत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। निर्माण की दृष्टि से कोयला की प्रथम तथा अंतिम अवस्था कौन सी है? प्रथम अवस्था है पीट कोयला, अंतिम अवस्था एंथ्रेसाइट कोयला है। कोक क्या है? ये कठोर सरंध्र व काला पदार्थ है जिसे कोयले के अनॉक्सी दहन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये कार्बन का लगभग शून्य रूप है जिसका उपयोग इस्पात यानी स्टील के औद्योगिक निर्माण व कई धातुओं के निष्करण से किया जाता है कोल तार क्या है? ये पेट्रोलियम का एक उप उत्पाद बी प्रोडक्ट है जो कि एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। इसमें लगभग 200 पदार्थों की उपस्थिति होती है। इसमें औषधि संश्लेषित रंग विस्फोटक प्लास्टिक सुगंध पेंट फोटोग्राफिक सामग्री छत निर्माण सामग्री तथा मॉस व अन्य कीटों को भगाने के लिए गोलियां जिसे हम नेफ्थेलीन की गोली के रूप में जानते हैं आदि बनाई जाती है। सड़क निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है लेकिन आजकल इसकी जगह ज़्यादातर बिटुमेन का प्रयोग सड़क निर्माण में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य आधार घटक है ब्यूटेन प्रोपेन व आइसोब्यूटेन का मिश्रण। इंडेन गैस किन गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि गैस सिलेंडर में द्रव अवस्था में होती है जिसमें दाब मापक सिलेंडर में गैस की वास्तविक मात्रा प्रदर्शित नहीं करती। अगला,
जीवाश्म ईंधन किस तरह के संसाधन है? अनविकृत है, अर्थात समाप्त होने के बाद इनका पुनः निर्माण या उत्पादन असंभव है। जीवाश्म ईंधनों का निर्माण किससे हुआ है? सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ निर्माण। मुख्य जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि। कोक, कोल टार व कोक गैस किसके उप उत्पाद हैं? कोयले के। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? शुद्धतम सॉरी कार्बन का शुद्धतम रूप है कोक। डीजल इंजन से प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? डीजल की वाष्प तथा वायु। कार के इंजन में अपस्फोटन यानी नॉकिंग से बचने हेतु क्या प्रयुक्त किया जाता है? टेट्रा एथिल लेड। भारी वाहनों के इंजनों में डीजल के उपयोग को वरीयता दी जाती है, क्यों? इसकी उच्च क्षमता व आर्थिक बचत के कारण। डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त होता है? सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। पेट्रोलियम मोम क्या है? पैराफीन मोम है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल में लगी आग बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? जल व पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है तथा पेट्रोल जल से हल्का होने के कारण जल के ऊपर आ जाता है, फलतः जलता रहता है। ऑक्टेन संख्या किस पदार्थ की गुणवत्ता की माप है? पेट्रोल की। सीएनजी के मुख्य घटक गैस कौन सी है? मीथेन है, CH4। भारत में प्रथम सीएनजी टर्मिनल कहाँ पर स्थापित किया गया है? दाहेज में, गुजरात में। भारत में प्रथम सीएनजी स्टेशन कहाँ पर लगाया गया है? नागपट्टनम में, तमिलनाडु में। क्या प्रयोगशाला में मृत जंतुओं व वनस्पतियों से जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते हैं। कारण ये है कि इनका बनना एक अत्यंत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। पेट्रोलियम का मुख्य घटक किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त एलिफैट्रिक हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? फोम प्रकार का। भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले को क्या कहते हैं? जंतु चारकोल कहते हैं। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CB देसाई ने। खाना पकाने में किस गैस का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है? मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? जल गैस या भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का। कोल गैस की संगठक गैसें कौन सी हैं? H2 यानी हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए सर्वोत्तम अग्निशामक यानी बेस्ट फायर डिस्टिंगाइजर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अग्निशमन में जल का प्रयोग कब सुरक्षित व कब असुरक्षित होता है? जब आग लकड़ी, कागज, प्लास्टिक इत्यादि वस्तुओं में लगी हो तो जल का प्रयोग उचित है, परंतु यदि आग विद्युत के लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट होने या पेट्रोल व डीजल आदि में लगी हो तो जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विद्युत का झटका लग सकता है और पेट्रोल आदि तेल जल से हल्के होते हैं तो जल डालने पर ये उसके ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और आग जलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार अग्निशमन करता है? ऑक्सीजन से भरी होने के कारण ये आग या ईंधन को कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे उसका ऑक्सीजन से संपर्क कट जाता है। इसके अलावा सिलेंडरों से छोड़े जाने पर ये बहुत तेजी से फैलती है, तो इसके फलतः ये ठंडी हो जाती है, जिससे ईंधन के ताप में भी कमी आ जाती है। हाइड्रोजन बम किसने बनाया है? एडवर्ड टेलर ने बनाया है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। आग लगने पर यदि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो इसे उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
ज्वलनशील पदार्थ के चारों ओर क्या करना चाहिए हमें? ज्वलनशील पदार्थों के चारों तरफ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। इससे आग के निकट बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि आग बुझा देती है। हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन व एथेनॉल में से प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है। विमानन, गैसोलीन, पेट्रोल में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोल के हीमीकरण को रोकता है। किस ईंधन का ऊष्मीयमान यानी ईंधन मान सर्वाधिक है? हाइड्रोजन का। प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोल गैस, इंडन गैस LPG में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है? इंडन गैस रखती है। LPG 55,000 KJ होती है, KJ प्रति किलोग्राम। वायु में हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? जल बनता है H2O, 2H2 प्लस O2, 2H2O। किस ईंधन का प्रयोग मुख्यतः नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। गैसोहल क्या है? पेट्रोल व एथिल अल्कोहल का मिश्रण है, 90 व 10 के अनुपात में, 90 व 10 के अनुपात में है पेट्रोल और एथिल अल्कोहल। आणविक संरचना के बारे में निम्न कथन सही है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? फोटॉन नहीं है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। सम न्यूट्रॉनिक समूह है 6C14, 7N15, 8O16। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? चार होती है। परमाणु में कक्षों को भरने पर क्रम नियंत्रित होता है ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा। परमाणु में नाभिक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? परमाणु की। किसी तत्व के परमाणविक भार को ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम व AMU में से किस में व्यक्त किया जाता है? AMU में। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉन वहन करता है? एक यूनिट ऋणावेश। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है? +3। कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। इनो लवण को जब जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं जिसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कथन है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है और ये नमक का अम्ल है। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? ड्यूट्रॉन नहीं है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निम्नलिखित कथन सही है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। कथन है ए,
सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। कारण, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। अधोलिखित सुमेलित कीजिए। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथन सही है। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलीय होते हैं। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। निम्नलिखित कथन सही है। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। विनंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अधोलिखित सुमेलित कीजिए। ये अपचयनांक है, ये उसके तत्व हैं। दो अपचयनांक के तत्व हैं CaO में Ca का उपचयनांक, 3 का NaAlH4 में Al का उपचयनांक, 4 में होता है MnO2 में Mn का मैग्नीज का उपचयनांक और 6 में H2SO4 में S का उपचयनांक। अगला, कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। जल अपघटन में ऊर्जा प्रकाश ऊष्मा ध्वनि व अम्ल में से किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। हाइग्रोमीटर गाइगर काउंटर सिस्मोमीटर तथा अमीटर में से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। परमाणविक संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या ए के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? जेड होता है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न है, ये क्या कहलाते हैं? आइसोटोप कहलाते हैं। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन है। वायुमंडल क्या है? मिश्रण है। अणु परमाणु प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से सबसे छोटा कौन है? इलेक्ट्रॉन। उज्जन उज्जन यानी हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या होती है 0 शून्य। सोडियम एल्यूमिनियम सल्फर और ब्रोमीन में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? IS2 2S2 2P6 3S1 सोडियम को। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कण तथा न्यूट्रॉनों में से कौन सा कण अस्थाई है? न्यूट्रिनो। 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 18 Ar 38। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंध होता है। परमाणु अणु प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में से सबसे छोटा कण है प्रोटॉन। तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्र के द्वारा। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है क्या कहलाता है? अणु। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻¹⁰ मीटर। कथन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है मीथेन। और कारण है, मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहां वो पाइपलाइन से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। एरोसोल का उदाहरण है धुआं। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। जो मिश्रण नहीं है वो है आसुत जल।
शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। कौन प्राकृतिक ईंधन है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होते हैं CH4। निम्नलिखित कथन सही है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। नेक्स्ट, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सीमेंट की खोज किसने की है? जोसेफ आस्पडीन ने। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को किस ताप परिसर द्वारा दर्शाया जाएगा? 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक। निम्न कथन सही है। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना होगा? 50 मिली। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है जल गैस। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान संख्या होती है अणुओं की। ये नियम कहा जाता है किसको? अवोगाड्रो नियम को। निम्न आरेख बॉयल नियम को प्रदर्शित करता है। ये आरेख जो है वो बॉयल नियम को प्रदर्शित करता है। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि हम कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वो निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वो पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? हाइड्राइड पाया जाता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है। KCl, H2O, NH3 व Cl3 में से किसमें आयनिक बंध बनता है? KCl में बनता है। KCl, H2O, NH3 व Cl3 में से NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। हाइड्रोजन चारकोल प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन का। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। टेट्राथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? 7.0। सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? अभिक्रिया तेज है, ये सही नहीं है। कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइट का। पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अवसादन के द्वारा। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है कितना? तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता के। किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? पानी को। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है 12। हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन तथा गंधक अम्लों में से सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन का। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? 22.4L होता है। नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है? जिंक के। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है कम आयतन। गैस ज्वाला होता है दीप्त। जब एक लोहे की कील में जंग लगती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है भार में बढ़ोतरी के साथ। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। किसी घोल की अम्लता या क्षारता को ज्ञात करने के लिए पीएच एक पैमाना है। इसे कैसे परिभाषित करते हैं?
लॉग टेन वन अपॉन एच पॉजिटिव से, एन एच आयन से परिभाषित करते हैं इसको। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये गैस प्राप्त की जाती है भार को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर, भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर। किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? Na2CO3। एक निलंबन, एक परिक्षेपण, एक कोलाइड और एक विलयन में से सोडा वाटर क्या है? एक कोलाइड है। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ब्राउन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्यू जेल गोली में क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट, लाल व हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है वर्णक्रमी द्वारा। सोमरफेल्ड व बोर का परमाणु मॉडल किनकी व्याख्या करता है? हाइड्रोजन परमाणु व हीलियम आयन की। मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी। निम्न तत्व बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते हैं, Cr और Cu नहीं करते हैं। किसके लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान शून्य होगा? गामा किरण और न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट चैप्टर, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118। प्रकृति में कुल कितने तत्व प्राप्त हो चुके हैं? 94। कृत्रिम रूप से बनाए जा सकने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? 24। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। नवीनतम खोजा गया तत्व कौन सा है? आग्नेसन। सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाई है? मेंडलीफ ने। अष्टक नियम किसने दिया है? न्यूलैंड ने। मेंडलीफ के प्रारंभिक आवर्त नियम का आधार क्या था? तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर निश्चित अंतराल से उनके गुणों में पुनरावृत्ति का पाया जाना। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? हीलियम का। इसकी त्रिज्या 16 पिकोमीटर के बराबर होती है। किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है? सीजियम का। त्रिज्या 113 पिकोमीटर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मुख्य लाभ क्या था? नए तत्वों की खोज। किन तत्वों या किस वर्ग के लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था? अक्रिय गैसों के लिए, शून्य वर्ग के तत्वों के लिए। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। वो कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी धातु है? चांदी व इसके बाद तांबा है। सबसे ज्यादा चांदी है, उसके बाद तांबा है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की है? मोजले ने 1913 में प्रस्तुत की है। कौन सा आवर्त सभी अपूर्ण है, अभी अपूर्ण है? सातवा। सातवा आवर्त अभी अपूर्ण है। छठे आवर्त के बाहर रखे गए तत्वों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी के दुर्लभ मृदा तत्व या लैंथेनाइड्स। एक्टिनाइड्स किन तत्वों को कहते हैं? सातवें आवर्त के जिन 14 तत्वों को सारणी से बाहर नीचे एक अलग श्रेणी के रूप में रखा गया है। प्रकृति में उपलब्ध अंतिम तत्व कौन सा है? यूरेनियम। परा यूरेनियम तत्व कौन से हैं? यूरेनियम के परमाणु क्रमांक 92 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व। ये तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं बल्कि विभिन्न कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधातु तत्व विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है, एलोट्रॉप। सर्वाधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना। तृतीय आवर्त के तत्वों को प्रतिरूपी तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। आंतरिक संक्रमण क्या तत्व क्या है? लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व। अभी ए उपवर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? सामान्य तत्व। किन वर्गों के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? सभी बी उपवर्ग व आठवें समूह के तत्व। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस से किन तत्वों को कहते हैं? शून्य वर्ग के तत्वों को। धात्वीय व अधात्वीय तत्वों के बीच किन तत्वों को रखा गया है? संक्रमण तत्वों को रखा गया है।
तत्वों का एस पी डी व एफ खंडों में वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताइए। चौथा आवर्त व एस ब्लॉक का तत्व है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हेलोजनों दोनों में समानता रखना। एस ब्लॉक का अधातु तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। अधातु होने के बावजूद हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में धातुओं के साथ क्यों रखा गया है? इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व कई गुण धातुओं से मिलने के कारण। बेरियम व स्ट्रोंशियम को ज्वाला में गर्म करने पर ये कौन सा रंग देते हैं? बेरियम हरा, स्ट्रोंशियम लाल रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम व मैग्नीशियम में कौन सा तत्व या कौन सा धातु अधिक सक्रिय है? सोडियम। कारण ये है कि सोडियम क्षार धातु है जबकि मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टिनाइट। डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? 40। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? शून्य वर्ग में। सभी गैसें अक्रिय गैस व एक परमाण्विक तत्व। पी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? 31 तत्व। अक्रिय गैसें किस ब्लॉक में रखी गई है? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में स्थित होते हैं। कौन सा तत्व इसका अपवाद है? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 28। इसमें 14 लैंथेनाइट अथवा दुर्बल मृदा तत्व है और 14 एक्टिनाइट यानी ट्रांसयूरेनिक तत्व है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्यों? इनमें अपूर्ण डी उपकोश होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों का डी कक्षकों में संक्रमण होता रहता है। किस ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं? डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व होते हैं ये। वर्गों व आवर्तों में तत्वों का घनत्व किस क्रम में बढ़ता या घटता है? तत्वों के घनत्व बदलने का कोई भी निश्चित क्रम नहीं है। सर्वाधिक घनत्व किस तत्व का है? ऑस्मियम का है। 22.6। यही कारण है कि ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। द्रव तत्वों में सबसे भारी यानी सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? पारा है, Hg। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है? लिथियम। सबसे कम घनत्व वाला तत्व यानी सबसे हल्का तत्व है? हाइड्रोजन। अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। सभी तत्वों में अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व का है? फ्लोरीन का है। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सीजियम। किस ब्लॉक के कुछ तत्व ऑफ बाउ नियम का पालन नहीं करते हैं? डी ब्लॉक के जैसे सीआर, क्रोमियम 24, कॉपर 29 आदि। सबसे कम व सबसे अधिक गलनांक वाली धातुएं कौन सी है? पारा है, -38 डिग्री सेल्सियस पारा है सबसे कम। और टंगस्टन का 3410 डिग्री सेल्सियस से। सर्वाधिक व सबसे कम गलनांक वाले तत्व कौन से हैं? कार्बन 3727 डिग्री सेल्सियस, हीलियम -270 डिग्री सेल्सियस। वर्गों व आवर्तों में गलनांकों व क्वथनांकों के बदलने का क्रम क्या है? कोई नियमित क्रम नहीं है। किसी आवर्त में सबसे कम गलनांक व क्वथनांक किस वर्ग के तत्वों का होता है? शून्य वर्ग या अक्रिय गैसों का। कौन सी धातुएं कमरे के ताप पर द्रव है? पारा, गैलियम, सीजियम। सीजियम 30 डिग्री पर द्रव्य है। सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होता है? Cl2O7। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? फ्लोरीन। किसी आवर्त में बाएं से दाएं आगे बढ़ने पर तत्वों की क्रियात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटती है फिर बढ़ती है। सभी तत्वों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। आवर्त सारणी में किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? उत्कृष्ट गैसों की। धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। प्रबलतम ऋण विद्युती व प्रबलतम धन विद्युती तत्व कौन से हैं? फ्लोरीन व सीजियम। अधिकतम परमाणु आयतन वाला तत्व कौन सा है? सीजियम। किन तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? एल्यूमिनियम एवं
उपधातुओं के। किसी आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर हाइड्रो की प्रकृति में किस प्रकार परिवर्तन होता है? हाइड्राइडो की क्षारीयता घटती है व अम्लीयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों का धात्वीय लक्षण आवर्तों में घटता है, समूहों में बढ़ता है। कौन सी अधातु है जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है? हाइड्रोजन। विद्युत ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? चांदी। सबसे अधिक व सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं के नाम बताइए, पोटेशियम व स्वर्ण। कौन सी धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है? पोटेशियम। कौन सी है? पोटेशियम है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन तथा लेड। ये धातुओं की घटती अभिक्रियाशीलता का ये जो है धातुओं की घटती अभिक्रियाशीलता का भी क्रम है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्राप्य तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। भूपरपट्टी में बहुतायत पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन, लगभग 49%। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इसका उत्तर सिलिकॉन को माना है, ऑक्सीजन को नहीं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। कैलोमल अयस्क है पारा का। पारे का निष्कर्षण प्रायः किस अयस्क से किया जाता है? सिनेबार। अधिकांश लोहे प्राप्त किए जाते हैं हेमेटाइट में। फेल्सपार अयस्क है एल्यूमिनियम का। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। मरकत या पन्ना का मुख्य संगठक क्या है? बेरेलियम। पन्ना हरे रंग का बहुमूल्य रत्न होता है। टाल्क यानी सोप स्टोन खनिज मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तीन सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम एवं कैल्शियम। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। अयस्क किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि के द्वारा करते हैं? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। पिच ब्लेंड अयस्क से क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? जिन अयस्कों में कोई चुंबकीय पदार्थ मिला होता है एक धातु प्रायः अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी ग्रहण करती है क्रायोजेनिक ताप अर्थात अत्यंत निम्न ताप पर। प्रयोग करने तथा औजार बनाने हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई है? तांबे का। भर्जन यानी रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत उपकरण उद्योग में। कैल्बेराइट तथा सिल्वेनाइट्स किस तत्व के अयस्क है? सोना के। स्टिबनाइट किस तत्व का अयस्क है? एंटीमनी का। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एवं सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। रोस्टिंग क्या है? भर्जन, अयस्क वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना। निष्पातन यानी कैल्सिनेशन किसे कहते हैं? गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना। अधिक गलनांक वाली अशुद्ध धातुओं का शोधन किस विधि से करते हैं? विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा। गालक यानी फ्लक्स किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को धातु मल यानी स्लैग के रूप में अलग करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। सभी क्षार धातुएं जल से क्रिया कर हाइड्रोजन निकालती है। सोडियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, क्यों? क्योंकि अत्यंत अभिक्रियाशील होने के कारण। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टों में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में। सोडियम धातु का संग्रह किस में करते हैं? किरोसिन में, मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? डाउन और कास्टनर विधियों द्वारा। सोडियम कार्बोनेट जिसे कि वॉशिंग सोडा कहा जाता है, इसका अणु सूत्र क्या है? Na2CO3.10S2O। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? लेब्लांक, सॉल्वे तथा वैद्युत विधियों द्वारा।
टेट्राइथाइल लिड नामक अविस्फोटन रोधी यानी एंटी नॉकिंग यौगिक बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? सोडियम लिड मिश्र धातु का। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का कितना प्रतिशत सोडियम क्लोराइड होता है? 75%। हीम मिश्रण कैसे बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिला करके। प्रेशर कुकर का निर्माण किस मिश्र धातु से करते हैं? ड्यूरालुमेन से करते हैं। फ्लैश बल्बों में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नोलाइट अयस्क के द्वारा किया जाता है। किन धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम वाष्प लैम्प पीले रंग के साथ जलते हैं, क्यों? सोडियम के ऊर्ध्वपातन के कारण, जिससे पीला रंग उत्सर्जित होता है। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में करते हैं, क्यों? क्योंकि खुले में रखने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बना लेती है, जल में रखने पर हाइड्रोजन गैस व ऊष्मा उत्पन्न करती है, जबकि केरोसिन से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती है केरोसिन से। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत आयात से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किस धातु का उपयोग करते हैं? सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के प्रकाश हेतु उपयुक्त होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है, जो पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम रहता है? 25 मिलीग्राम। बोन ऐश का उपयोग है पॉलिशिंग में तथा उर्वरक के रूप में। अल्कोहल में उपस्थित जल की अल्प मात्रा को अलग करने हेतु किस तत्व का प्रयोग करते हैं? कैल्शियम का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस काम आता है? दीवारों पर सफेदी करने के काम आता है। एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग कितना कैल्शियम होता है? 1200 ग्राम। भारानुसार एल्यूमिनियम की पृथ्वी पर उपलब्धता कितनी है? 8.31%। वो कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, माणिक्य यानी रूबी व नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? बॉक्साइट का। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? उभयधर्मी। हेमेटाइट व सिडेराइट में लोहे की प्रतिशतता कितनी होती है? 70 व 48 होती है। लौह अयस्क से लौह की प्राप्ति में कौन सी क्रिया सम्मिलित होती है? रिडक्शन, अपचयन। विद्युत चुंबक बनाने में किन धातुओं का प्रयोग होता है? लोहा, निकिल व कोबाल्ट का। लोहे की रेलों व टुकड़ों की वेल्डिंग में किस धातु का पाउडर प्रयुक्त होता है? एल्यूमिनियम पाउडर। जंग रोधन हेतु लोहे की पाइपों पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यशद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑडियो व वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप चढ़ता है? आयरन ऑक्साइड या फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का। सबसे निम्न कोटि का लोहा कौन सा होता है? ढलवा लोहा। विभिन्न धातुओं के महत्वपूर्ण अयस्क हैं ये, इम्पॉर्टेंट ओरियस ऑफ डिफरेंट मेटल्स, धातु अयस्क और ये अयस्क संगठन है। सोडियम धातु का अयस्क होता है साधारण नमक, सोडा ऐश, चिली साल्ट, पीटर, चिली शोरा, ग्लोबर साल्ट और बोरेक्स, ये सारे सोडियम के अयस्क हैं। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, रॉक साल्ट। सोडा ऐश का Na2CO3, चिली साल्ट पीटर का NaNO3, ग्लोबर साल्ट का Na2SO4.10H2O, बोरेक्स का Na2B4O7.10H2O। पोटेशियम, पोटेशियम का अयस्क है सिल्वीन, KCl, कार्मेलाइट, KCl, MgCl2, 6S2O, मैग्नेसाइट, MgCO3, डोलोमाइट, MgCO3.CaCO3। कैल्शियम के अयस्क हैं जिप्सम और लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। जिप्सम CaSO4.2H2O और चूना पत्थर CaCO3। एल्यूमिनियम के अयस्क हैं बॉक्साइट Al2O3.2H2O। टीन का अयस्क है कैसिटेराइट या टीन स्टोन, फॉर्मूला SnO2। लेड का अयस्क है गैलना, PbS। कॉपर का अयस्क है क्यूपराइट, CO2O। मेलेकाइट CuCO3.CuOH2। एजुराइट 2CuCO3.CuOH2। सिल्वर का अयस्क है आर्जिनाइट, आर्जेंटाइट Ag2S।
केरा जी राइट, ए जी सी एल, रूबी सिल्वर, ए जी थ्री, एस बी थ्री, एस बी एस थ्री। आयरन के अयस्क हैं हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट। ये सारे फॉर्मूला है। हेमेटाइट का Fe2O3, लिमोनाइट का Fe2O3.3S2O, मैग्नेटाइट का Fe3O4, सीडेराइट का FeCO3, आयरन पाइराइट का FeS2। पारा, पारा का अयस्क है सिनबार HGS, कैलोमल HG2Cl2, जिंक का अयस्क है कैलोमल HG2Cl2, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामिन ZnCO3, जिंकाइट ZnO। यूरेनियम की अयस्क है कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड U3O8। मैग्नीज के अयस्क है मैग्नाइट Mn2O3.S2O और पायरुलियोसाइट MnO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 4% तक होती है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से 0.25% तक। स्टील यानी इस्पात में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत रखी जाती है? 0.25 से 1.5% तक। पिटवा लोहे के संक्षारण जल्दी नहीं होता, क्यों? इसकी बाह्य सतह पर उपस्थित धातु मल की पतली परत के कारण। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की प्रतिशतता कितनी होती है? 72% होती है, सर्वाधिक होती है। कठोर स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? 0.05% से 1.5% तक। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण यानी एंटी करोजन क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। पृथ्वी के परत में कैल्शियम यौगिकों की सहभागिता कितनी है? 3.5%। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व कौन सा है? कैल्शियम। लोहे की जंग में कौन सा यौगिक होता है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड। हरा कसिस किसकी उपमा है? फेरस सल्फेट की। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना की उपमा किसे है? पाइराइट को। पिग आयरन से इस्पात का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? बेसिमर प्रक्रम के द्वारा। लोहे का चुंबकीय अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट। घड़ी के पेंडुलम व सूक्ष्म औजार बनाने के लिए कौन से मिश्र इस्पात का प्रयोग उचित होता है? इनवार का। बाल बेयरिंग सॉफ्ट व कमानिया आदि प्रायः किस इस्पात से बनाए जाते हैं? क्रोमियम वैनेडियम इस्पात से। शल्य क्रिया के उपकरण प्रायः किस इस्पात से बनाए जाते हैं? धब्बा रहित या जंगरोधी इस्पात से। द्रुत गति से चलने वाले औजार किस इस्पात से बनाए जाते हैं? टंगस्टन इस्पात से। विद्युत तार बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग वांछनीय है? निकिल इस्पात का। तांबे का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वो धातु है तांबा। कॉपर, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण कितना है? 2 mg/L WHO के अनुसार। विद्युत संचरण हेतु किस धातु का तार उपयुक्त होता है? तांबे का। चांदी इससे अधिक उपयुक्त है, लेकिन महंगी होने के कारण तांबे का ही प्रयोग अधिक होता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। नीला थोथा या नीला कसिस किसे कहते हैं? क्यूप्रिक सल्फेट को। कॉपर सल्फेट है एक फ्यूंगिसाइड। रूबी कांच बनाने में प्रयुक्त होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर पाइराइट से। लिथोपोन क्या है? जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट का मिश्रण, जो कि रंगाई के कार्य हेतु अत्यंत उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, जस्ते का प्रयोग किन मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है? पीतल, जर्मन सिल्वर व गन मेटल इत्यादि। चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अंडे में उपस्थित सल्फर चांदी से क्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाता है और चम्मच खराब हो सकता है। साथ ही सिल्वर सल्फाइड स्वास्थ्य के लिए भी हानिप्रद होता है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड NaCl व सूखी बर्फ ठोस CO2 का उपयोग भी कृत्रिम वर्षा हेतु कर सकते हैं। सर्वाधिक भारी व हल्का धात्विक तत्व कौन से हैं? ओस्मियम और लिथियम।
वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है? पेलेडियम। किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है? सेलिनियम का। बेडिलेआइट और बेराइल किस धातु के अयस्क हैं? जिरकोनियम और बेरिलियम के। रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन सा है? फ्रांसियम है। उदर के एक्सरे में मील के रूप में किसका उपयोग होता है? बेरियम सल्फेट का। स्मेल्टाइट और ग्रेनोकाइट किस धातु के अयस्क हैं? निकिल और कैडमियम के। जियोलाइट का प्रयोग होता है जल के मृदु बनाने में। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम यूरेनिल वेंटेट। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? निकिल क्रोमियम और आयरन का। पर्ल ऐश किसे कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट को। बारूद किन पदार्थों का मिश्रण है? मुख्यतः पोटेशियम नाइट्रेट का, गंधक व चारकोल व अन्य का। रणनीतिक धातु स्ट्रेटेजिक मेटल की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? टाइटेनियम को। नेक्स्ट, ब्रिटेनिया धातु किसकी मिश्र धातु है? एंटीमनी तांबा और टीन की। बैबिट धातु में होता है टीन, एंटीमनी तांबा। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? सिल्वर नाइट्रेट से। कृत्रिम वर्षा से चांदी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का। फोटोग्राफी उद्योग में चांदी का कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? सोना। सबसे पतली चादर किस धातु की बनाई जा सकती है? सोने की। सोने का आभूषण बनाने हेतु उसमें क्या मिलाते हैं? तांबा अथवा चांदी। सोने के घोल में हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अम्लराज का। सर्प विषरोधी सुई यानी एंटीडोट फॉर स्नेक पॉइजनिंग किस धातु का यौगिक होता है? स्वर्ण यौगिक, ऑरिक क्लोराइड। रोल्ड गोल्ड जिसे कृत्रिम सोना की उपमा प्रदान की जाती है किन तत्वों का मिश्र धातु है? कॉपर और एल्यूमिनियम का। झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट्स को। स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम और साइनाइड का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है 75%। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट। तांबा, चांदी, इस्पात, एल्यूमिनियम का समान चालकता क्रम क्या है? चालकता क्रम है चांदी, फिर तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात। पारे को लोहे के पात्रों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह लोहे से क्रिया करके अमलगम नहीं बनाती है। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? मरकरी की वाष्प व आर्गन गैस भरा होता है। तो ये है प्रमुख मिश्र धातु इस्पात, एलॉय स्टील्स मिश्र धातु इस्पात है, उनकी प्रतिशत संगठन है, प्रमुख लक्षण क्या है, उपयोग क्या होता है। स्टेनलेस स्टील की प्रतिशत संगठन है जिसमें कि लोहा आपका 73% होता है, क्रोमियम 18%, निकिल 8% और तांबे होते हैं। इसके प्रमुख लक्षण होते हैं संक्षारण यानी जंग लगने के लिए प्रतिरोधक, अर्थात इस पर जंग नहीं लगता है। इसका उपयोग घरेलू बर्तन, सजावटी वस्तुएं, दाढ़ी बनाने के ब्लेड व खेल का सामान आदि बनाने में होता है। निकिल इस्पात Fe 98 to 96% और निकिल 2 से 4%। प्रमुख लक्षण है कठोर होता है, प्रत्यास्थ और जंग प्रतिरोधक होता है। इसका उपयोग केबल, गियर, शेफ्ट, ऑटोमोबाइल तथा वायुयान के भाग बनाने में करते हैं। मैग्नीज स्टील जिसमें लोहा 86% होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज 13% होता है और कार्बन होता है। इसका प्रमुख लक्षण है कि अत्यंत कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, घिसाव प्रतिरोधक होते हैं। उपयोग है चट्टान में छेद करने की ड्रिल मशीन, आर्मर प्लेट, तिजोरी तथा रेलगाड़ी की पटरी बनाने में करते हैं। क्रोम स्टील लोहा 95%, क्रोमियम 5.0% तथा कार्बन होता है। प्रमुख लक्षण है कि ये उच्च तनन क्षमता होती है इसमें। इसका उपयोग काटने, पत्थर चीरने के औजार बनाने में करते हैं। क्रोम वेनेडियम स्टील इसमें 98% लोहा, क्रोमियम 1% और वी 0.15% तथा कार्बन होता है। तन्य क्षमता युक्त एवं भार वहन कर सकता है ये। इसका उपयोग स्प्रिंग, शेफ्ट, पहियों की धुरी बनाने में करते हैं, एक्सलेस बनाने में। टंगस्टन स्टील में Fe होता है 84%, W होता है 5% और कार्बन होते हैं। कठोर व मजबूत होता है ये। उच्च गति के काटने के औजार बनाने में इसका उपयोग करते हैं।
इनवार में लोहा 64% होता है, निकेल 36% होता है। इसका ये कम प्रसार गुणांक होता है इसमें, लो को एफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इसकी उपयोग कलाई घड़ी, घड़ी के पेंडुलम, मीटर स्केल बनाने में करते हैं। परमालॉय में लोहा 21%, निकेल 78% होता है और कार्बन होता है। ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रबल रूप में चुंबकीय हो जाता है तथा धारा का प्रवाह रोकने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसका उपयोग विद्युत चुंबक समुद्र केबल बनाने में करते हैं। एल्कीनो एल्कीनो में लोहा 62% होता है, Al 12% होता है, निकिल 20% होता है, कोबाल्ट 5 और कार्बन होते हैं। रोकने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, अत्यधिक चुंबकीय ये होता है। ये जो है एल्कीनो, ये अत्यधिक चुंबकीय होता है। इसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो अगले वीडियो में बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे।